मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है चिराग कि तुमने मुझे उस ईशानी को सॉरी बोलने को क्यों कहा और क्यों इशारा किया कि मैं अपने कंधे उसे दे दूं। क्योंकि मॉम मुझे ना ईशानी पसंद है, इट्स वेरी सिंपल। चिराग तू पागल हो गया है, तुझे ईशानी कैसे पसंद आ सकती है? अरे वो फाल्गुनी की बेटी है, हर्षद भाई की सगी बेटी नहीं है, उसे उस घर से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम गलत हो श्वेता, उसे उस घर से बहुत कुछ मिलने वाला है। दुनिया को अपना बड़प्पन दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ईशानी को वो अपनी सगी बेटी से बढ़कर मानता है, वो अपना सब कुछ ईशानी को ही देगा। हर्षद को मैं 20 साल से जानता हूं, बस एक बार ईशानी और चिराग की शादी हो जाए तो वो चिराग को अपने बेटे जैसा प्यार करेगा, क्योंकि चिराग ने सब कुछ जानते हुए कि ईशानी नाजायज औलाद है शादी के लिए हाँ कर दिया। वेल डन मो बॉय, वेल डन, क्या दिमाग चलाया तूने। डैड मैंने फैसला दिमाग से नहीं दिल से लिया, मैंने ईशानी को इसलिए हाँ कहा तो मैं वाकई उसे शादी करना चाहता हूँ। बिकॉज़ आई लाइक हर। पता नहीं उस ईशानी ने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। ईशानी मोटा बाबू जी ने मुझे स्कूल भेजने की तैयारी की है, मैं देखने आया था किताबें कैसी होती हैं, और यहाँ तो किताबों के साथ तुम भी दिख गई। मतलब जब तुम कहीं नहीं मिलोगी तुम यही होगी। हाँ लेकिन ये सीक्रेट किसी को बताना मत कि जब मैं उदास हो जाती हूँ तो घर वालों से छुप कर या बुक्स पढ़ने आ जाती हूँ। तुम मुझसे कैसे छुपोगी?